हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये है स्कॉर्पियो का बेस ट्रिम। दीज आर द नॉर्मल हेलोजन हेड लैम्प। यहाँ पे फॉग लैम्प अवेलेबल नहीं है। एयर कर्टेन आपको मिल जाता है हाई स्पीड स्टेबिलिटी और अच्छी माइलेज के लिए। यहाँ पे आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं फॉग लैम्प एंड डे टाइम रनिंग लाइट्स। नीचे यहाँ पे आपको स्किड प्लेट नहीं मिलती, ब्लैक कलर की दी गई है। ऑल द कम्प्लीट यहाँ पे अंडर बॉडी इंजन गार्ड वगैरह सब अवेलेबल है। एंड फ्रंट ग्रिल आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर की फ्रंट ग्रिल मिलती है। पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है यहाँ पे ऊपर की साइड भी। एंड देन दिस इज द साइड प्रोफाइल। यहाँ पे जो व्हील्स है आपको नॉर्मल स्टील व्हील मिलेंगे, कोई यहाँ पे व्हील कवर नहीं दिया गया, लेकिन आप बाद में अलॉयज इंस्टॉल करवा सकते हैं 55,000 में फ्रॉम द शोरूम एंड। 245x65 17 टायर्स दिए गए हैं, यानी कि 17 इंचेस के अलॉयज। अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे साइड बॉडी क्लैडिंग, व्हील आर्चेस पर क्लैडिंग सब मिल जाती है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंप्लीट साइड बॉडी मोल्डिंग, ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स हैं, बाद में ये भी पेंट हो जाते हैं। और इवन जो ORVM है वो भी पेंट हो जाते हैं 2500 में सब कुछ। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, इसको आप ओपन करेंगे यू कैन सी ये प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी देती है जो ये साइड बॉडी क्लैडिंग दी गई है। इंटीरियर में हम बाद में चलेंगे, पहले बाकी सब कुछ चेक कर लेते हैं। दिस इज डीजल, दिस इज एड ब्लू डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। और ये है कार की रियर लुक। और यहाँ पे रिवर्सिंग लैम्प मिल जाता है, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। जो स्पेयर टायर है वो अंडर बॉडी प्लेयर्स मिलेगा कुछ ऐसा, नॉर्मल स्टील भी। और यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश। रियर में स्किड प्लेट जो है वो नहीं दी गई। यहाँ पे नॉर्मल आपको ब्लैक कलर का डोर हैंडल मिलता है, डोर साइड पे ही ओपन होगा। और ये है बूट स्पेस। जो सीट्स है वो फोल्ड डाउन हो जाती है दोस्तों, सो इसको हम ऐसे फोल्ड डाउन कर सकते हैं और इसको इवन फर्दर भी हम फोल्ड डाउन कर सकते हैं कुछ ऐसे। और यहाँ पे दो हेडरेस्ट रखी हुई है जो कि यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 7 कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो है सिल्वर, डीप फॉरेस्ट, ग्रैंड कैनियन, वाइट कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर एंड गोल्ड कलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन विद द राइवल कार। सो डायमेंशन कंपैरिजन, साथ में फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 57 लीटर्स की। स्कॉर्पियो की इन बुक्स आपको ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है 187 mm की, वैसे थोड़ी ज़्यादा दी गई अगर आप साइड स्टेप हटा दे तो। तो टाइम टू टाइम दोस्तों मैं इन्वॉल्व किया आपको डिफरेंट परफ्यूम की फ्रेगनेंस एक्सप्लेन करता था। जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ये थी प्योर वुड परफ्यूम जिसकी फ्रेगनेंस काफ़ी ज़्यादा डिवाइन है। एंड आज मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में, ये है मस्क परफ्यूम जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग है इन्वॉल्व की। एंड इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ही ज़्यादा मैनली, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है। इट इज़ मेड इन इंडिया परफ्यूम। एक 3M टेप एंड वेलकम नोट आता है यहाँ पे। साथ में दिस इज़ द परफ्यूम, लीक प्रूफ परफ्यूम दी गई है, 2 से 3 महीने आराम से चल जाती है। यू कैन एडजस्ट द फ्लो ऑफ द परफ्यूम एज वेल। तो अभी कभी विजिट करें involveyoursenses.com पे टू ऑर्डर दिस परफ्यूम, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इंटीरियर्स भी चेक कर लेते हैं। सो ये है डोर। यहाँ पे आपको प्लास्टिक फिनिश मिलती है, कोई लेदर फिनिश नहीं मिलती, लेदर बाद में इंस्टॉल हो जाएगा। इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक कलर का। चारों पावर विंडोज़ दी गई है, पावर डोर लॉक स्विच, सारे कंट्रोल्स एल्यूमिनेटेड है। ORVM को आपको एडजस्ट करना है तो ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई लिवर या फिर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती। बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, स्पीकर की स्पेस। यहाँ पे आपको क्लच फुट टच मिल जाता है। ये चार कंट्रोल्स दिए गए हैं MID स्क्रीन के लिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है जिससे माइलेज काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। ये हेडलैम्प लेवलर दिया गया है, सारे कंट्रोल्स एल्यूमिनेटेड हैं। साथ में यहाँ पे एल्यूमिनेशन। और ये है फ्रंट सीट्स। जो फ्रंट सीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगी। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन इस मॉडल में नहीं मिलता। पीछे फैब्रिक सीट्स, आगे भी फैब्रिक सीट्स, डुअल टोन फैब्रिक सीट्स। और यहाँ पे देखेंगे तो आर्मरेस्ट दी गई है, अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस अवेलेबल है। इवन टॉप मॉडल से ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे ट्विन का फोल्डर्स, दिस इज़ द गियर नॉब। और यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। यहाँ पे मैनुअल AC विद हीटर। म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ऊपर कुछ स्पेस दिया गया है खाली। यहाँ पे आप देखेंगे
तो यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, इधर वैनिटी मिरर नहीं दिया गया, डे एंड नाइट आई आर वी एम, यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, सेंटर में एलईडी लैंप, दिस इज द की, स्टीयरिंग में कंट्रोल्स अवेलेबल नहीं है, एंड दिस इज द एमआईडी स्क्रीन, सारी इन्फॉर्मेशन की शो करती है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सीट बेल्ट रिमाइंडर एक्सेट्रा, डोर ओपन रिमाइंडर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डीएफ लेवल एंड सो ऑन। ये है रियर सीट, रियर पावर विंडो, रियर एसी वेंट, 12 वोल्ट का सॉकेट बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, फ्रंट सीट की बैक पे पॉकेट, यहाँ पे लाइट, रियर में आर्मरेस्ट, ट्विन यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट। किसी कार की सर्विस कॉस्ट चेक करनी तो वो आप चेक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर हर एक कार की एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट पोस्टेड है, कौन सी ईयर में कौन कौन से पार्ट चेंज होने, कौन सी पार्ट चेंज होने की क्या कॉस्टिंग आएगी, वो सब भी वहाँ पे बता रखा है, तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड है। सर्विस कॉस्ट एक बार आप जरूर चेक करें हमारी वेबसाइट पर। इसी के साथ अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप 1-to-1 मेरे से कॉल पर बात कर सकते हैं, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपना नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर सबमिट करें एंड आई विल कॉल यू बैक।